हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एडमिशन लगभग कवर हो चुकी है और उसके बाद आप लोगों की ओरिएंटेशन होगी। अभी ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस ओरिएंटेशन कराते हैं, काफ़ी नहीं कराते हैं। बट जो कॉलेजेस ओरिएंटेशन करा रहे हैं तो उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भैया क्या होगा, क्या करना है इसमें। तो हम अभी सर्च कर रहे हैं व्हाट इज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन कॉलेज। सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम को काफ़ी सारे कॉलेजेस में एक स्पेशल डे के रूप में भी ये किया जाता है कि ओरिएंटेशन डे उसे नाम दे दिया जाता है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर एम्ड एट फैमिलियराइज्ड द स्टूडेंट टू एन अननोन कैंपस इन्वायरमेंट, इट्स फैकल्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आपको फैमिलियराइज करने के लिए, जो अननोन कैंपस है, आप एक स्कूल के बाद एक कैंपस में आ रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसके बारे में ओरिएंटेशन होती है कि वो आपको फैमिलियराइज करता है। इट इनेबल्स देम टू मेक एसेंशियल कनेक्शन विद स्टडीज एंड डेवलप नेटवर्क अमंग अदर पीयर्स। तो पीयर ग्रुप जो आपका होता है, इसमें आपकी हेल्प करता है ये कि आप जो है अपना कनेक्शन डेवलप कर सको। यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये होता है कि आपका जो पूरा ग्रुप है, जिस जो भी न्यू सेशन आ रहा है आपकी क्लास, तो उसके लिए वो सभी को एक जगह बैठा करके सभी को समझाया जाता है कि ये कैंपस क्या है, अपने कैंपस के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें मौका मिल जाता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सके। सो यही होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो फैमिलियराइज करने के लिए होता है आप स्टूडेंट्स को अननोन कैंपस से। तो आप अपना जो कैंपस है उसमें जाओगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो कॉलेज के बारे में ही बताते हैं, काफ़ी ये होते हैं कि अपना जो उनका करिकुलम होता है, आपकी क्लासेस कैसे लगेंगी, सेमिनार्स वगैरह के बारे में, आपको आगे की प्रोसेस के बारे में सब कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में समझा दिया जाता है। तो अगर आपका भी कॉलेज ओरिएंटेशन ले रहा है तो आप लोगों को उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए।